हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इन दिस वीडियो वी विल डू रैपिड रिवीजन ऑफ सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम टैबलेट डोजेस फॉर्म। सो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट द कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। सो जो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट जो परफॉर्म की जाती है, ओके, तो इट शुड बी बिटवीन 95 to 105%। The tablet potency for this test should be less than 50 mg. Okay, tablet potency for this test should be less than 50 mg. For digitoxin, it is 90 to 110%. If larger weight variation, no good content uniformity. समझो कि weight variation ज़्यादा है तो उसके कारण क्या होगा, content uniformity आपको achieve नहीं होगी properly. Content uniformity मतलब कि जो कोई भी ड्रग है वो कितने अमाउंट के अंदर टैबलेट के अंदर प्रेजेंट है, ओके, उसको हम कहेंगे कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। मतलब कि समझो कि 500 mg पैरासीटामोल है, ओके, 500 mg, तो टैबलेट का वेट चाहे 800 mg भी हो सकता है या फिर 900 mg, ओके, बट उसके अंदर जो ड्रग है वो कितनी होनी चाहिए, 500, ओके, सो वो किसके बीच में होना चाहिए, 95 to 105%, ओके, तो उसके वेरिएशन में जो PCM जो है वो 500 mg उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, तो उसको हम कहेंगे कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। सो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी के लिए आपको चाहिए टोटल 30 टेस्ट टैबलेट्स, टोटल ऐसे एटलीस्ट 10, 30 में से पहले 10 टैबलेट का आप ऐसे करते हो। 9 ऑफ द टैबलेट शुड बी कंटेंट द 85 to 115% ऑफ API। तो सबसे पहले 30 है, उसमें से आप लेते हो 10, 10 का समझो कि हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो 9 and 1, 9 टैबलेट जो है वो रेंज में होनी चाहिए 85 to 115%, वो 9 टैबलेट, और जो 10th टैबलेट है उसका होना चाहिए 75 to 125%। अगर ये फुलफिल होता है तो टेस्ट पास। If above condition is not met, other 20 tablets should be SA and no one should be fall outside 85 to 115%। समझो कि ये condition fulfill नहीं होती है, okay, तो आपको क्या करना है, remaining 20 tablets लेनी है और उनका करना है individual SA और वो होनी चाहिए 85 to 115% की रेंज के अंदर। सो ये है content uniformity test। मतलब कि यूनिफॉर्मिटी का, कंटेंट का यूनिफॉर्म होना जरूरी है, जिसको हम कहेंगे कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। आफ्टर दैट वो है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो सबसे पहले है एपरेटस। एपरेटस के अंदर टोटल होते हैं 6 टेस्ट ट्यूब, जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एपरेटस होता है। इस तरह से समझो कि टॉप व्यू आप देखते हो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 6 टेस्ट ट्यूब्स जो है वो उसके अंदर रखी हुई होती है। मैस साइज इज़ ए 10 मैस, इन एग्जांपल 1.7 mm एज पर USP एंड 8 मैस इन एग्जांपल 2 mm एज पर द IP, ओके, सो USP मैस साइज होती है 10 एंड IP मैस साइज होती है 8 मैस, ओके, कि जो टेस्ट ट्यूब जो आप यूज़ करते हैं उसके अंदर मैस होती है। देन ग्लास टेस्ट ट्यूब आर 3 inches लॉन्ग, ये जो टेस्ट ट्यूब होती है वो कितनी लॉन्ग होनी चाहिए, तो 3 inches लॉन्ग। बीकर कंटेंस द 1 liter ऑफ वाटर, सिम्युलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड और सिम्युलेटेड इंटेस्टाइनल फ्लूइड जिसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। टेम्परेचर सेट करना है वो है 32 प्लस और माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, रिमेंबर विथ रेफरेंस टू डिफरेंस विथ डिजोल्यूशन। टैबलेट्स रिमेन 2.5 cm बिलो सरफेस ऑफ द लिक्विड ऑन अपवर्ड मूवमेंट एंड वाइस वर्सा एंड नंबर ऑफ साइकिल पर मिनट्स आर 28 to 32, ओके, कि जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स के जो साइकिल्स होते हैं वो कितने होने चाहिए, 28 to 32। ये जो न्यूमेरिकल्स आपको याद रखना जरूरी है, ये वाला 37 प्लस और माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, 3 इंच लॉन्ग टेस्ट ट्यूब्स, 6 टेस्ट ट्यूब चाहिए इसके अंदर, एंड टैबलेट रिमेन 2.5 सेंटीमीटर
बिलो सरफेस ऑफ लिक्विड, ओके, लिक्विड की जो सरफेस है यहाँ तक लिक्विड है, ओके, तो उससे 2.5 सेंटीमीटर बिलो होनी चाहिए सरफेस ऑफ द लिक्विड ऑन अपवर्ड मूवमेंट एंड वाइस वर्सा। अब आपको जो याद रखने हैं दूसरे न्यूमेरिकल्स वो है आईपी लिमिट्स ऑफ ए डिसइंटीग्रेशन टाइम, ओके, कि जो लिक्विड कौन सा है, टैबलेट या कैप्सूल कौन सा डोजेस फॉर्म है। तो अनकोटेड टैबलेट है, लिक्विड है वाटर, और डिसइंटीग्रेशन टाइम होना चाहिए 15 मिनट एज पर आईपी एंड एज पर यूएसपीट इज़ ए 30 मिनट। शुगर कोटेड है, लिक्विड वाटर है तो वो रहेगा टाइम 60 मिनट। एंटेरिक कोटेड टैबलेट है, 0.5 नॉर्मल HCl विथ फॉस्फेट बफर, तो 2 आवर इन गैस्ट्रिक फ्लूइड मीडिया एंड 1 आवर इन इंटेस्टाइनल फ्लूइड, ओके। फिल्म कोटेड टैबलेट वाटर और 0.1 नॉर्मल HCl के जो आप मीडिया यूज़ करोगे, डिसइंटीग्रेशन टाइम इज़ 30 मिनट। आगे वजाइनल टैबलेट जिसके अंदर आप वाटर यूज़ करोगे 30 मिनट। सॉल्यूबल टैबलेट, डिस्पर्सिबल एंड एफरवेसेंट टैबलेट वाटर, टेम्परेचर इज़ 19 to 21 डिग्री सेल्सियस एंड डिसइंटीग्रेशन टाइम इज़ ओनली 3 मिनट। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है तो उसके लिए 15 मिनट एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है तो उसके लिए 16 मिनट द टाइम फॉर ए डिसइंटीग्रेशन। सो ये पूरा टेबल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। डिजोल्यूशन के बाद आता है, डिसइंटीग्रेशन के बाद आता है वो है डिजोल्यूशन। तो डिजोल्यूशन के लिए यूएसपी में टाइप 1 जो है एपरेटस वो है बास्केट टाइप का एपरेटस, ओके। तो उसकी मेस स्क्रीन होती है 10, टेम्परेचर रहेगा 37 प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड 90 ml कैपेसिटी ऑफ फ्लास्क, देन सॉरी 900 ml कैपेसिटी ऑफ फ्लास्क। एपरेटस टू इज़ अ पेडल टाइप, 900 ml फ्लास्क कंटेंट्स वायर हेलिक्स टू प्रिवेंट द टैबलेट फ्रॉम फ्लोटिंग, वो रहेगा डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एपरेटस 2। अब ये काफ़ी समझना ज़रूरी है उसके लिमिट्स, ओके, लिमिट्स एज पर यूएसपी, नोट लेस देन 75% शुड बी डिजोल्व इन 45 मिनट, 90% ऑफ ड्रग्स शुड बी डिजोल्व इन 30 मिनट। दिस इज़ नॉट यूएसपी लिमिट, इट इज़ इंडस्ट्रियल लिमिट। अबव बोथ वैल्यूज़ आर क्यू वैल्यूज़, डिजोल्यूशन एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया एज पर आईपी। ये जो टेबल करना ज़रूरी है आपको फॉर द डिजोल्यूशन के जो स्टेजेस है, ओके, तो स्टेज 1 है उसके नंबर ऑफ डोजेस फॉर्म टेस्टेड आर ए 6, ओके। जो फर्स्ट स्टेज है उसके अंदर आपको 6 यूनिट जो है वो टेस्ट करने हैं एंड नो डोजेस यूनिट इज़ लेस देन Q+5%, Q+5%। S2 के अंदर अनदर 6 टैबलेट लोगे, एवरेज ऑफ 12 डोजेस फॉर्म यूनिट इज इक्वल टू और नॉट मोर देन Q% एंड नंबर ऑफ यूनिट इज लेस देन Q-15%। S3 देर आर 12 यूनिट्स डोजेस फॉर्म, एवरेज ऑफ 24 डोजेस यूनिट इज इक्वल टू ग्रेटर देन Q% एंड नॉट मोर देन 2 डोजेस फॉर्म यूनिट्स आर लेस देन Q-15 एंड नो डोजेस फॉर्म यूनिट इज ए लेस देन Q-25, ओके। सो ये जो क्यू वैल्यू की हम जो बात कर रहे हैं कि नॉट लेस देन 75% शुड बी डिजोल्व इन 45 मिनट, 90% ऑफ द ड्रग शुड बी डिजोल्व इन ए 30 मिनट्स, अबव बोथ वैल्यूज आर ए क्यू वैल्यू, ओके, कि जो स्टैंडर्ड्स वैल्यू है क्यू वैल्यू के 75% शुड बी डिजोल्व इन 45 मिनट एंड 90% ऑफ ड्रग शुड बी डिजोल्व इन 30 मिनट, ओके। तो उसका थोड़ा प्लस और माइनस वेरिएशन यहाँ पे चल सकता है कि जब S1 में 6 लेते हो तो Q+5%, ओके, Q+5%। अनदर 6 लेते हो उसके अंदर रहता है Q-15, देन 6+6 12 टैबलेट हो गए। अब 12+12 टोटल हो गए 24 टैबलेट्स, ओके, एंड यूनिट इज़
इक्वल और टू ग्रेटर दो क्यू परसेंट एंड नॉट मोर देन टू यूनिट्स आर लेस देन क्यू माइनस 15 एंड नो डोजेस फॉर्म इज लेस देन क्यू माइनस 25। ओके, इस तरह से इंपॉर्टेंट है ऑफ ए डिजोल्यूशन के, जिसमें से भाई कई बार क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। आगे जो हम रैपिड रिवीजन करेंगे ये चैप्टर के अंदर वो है टैबलेट कॉम्प्रेशन एपरेटस, उसके टूलिंग के बारे में, के टूलिंग में से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स के बारे में हम रैपिड रिवीजन करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो टिल देन गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी न्यू वीडियो। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।